नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। चाले विधानसभा में जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में पहले थे, अब वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं विमलेश ठाकुर जी, वो करौनी के भांपुर पंचायत में जनसंपर्क कर रहे थे। वहां पर दरभंगा समाचार के पत्रकार ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, क्योंकि वो आम आदमी की आइडियोलॉजी के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ने से अपने को दूर रखा विधानसभा से। फिर भी उनके जितने भी प्रत्याशी है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र, उसमें से एक जाले विधानसभा भी है, और आइए देखते हैं उन्होंने हमारे पत्रकारों को क्या कहा। एग्जाम, ये तो एग्जाम है, 5 साल बाद एग्जाम है, तो इसका मतलब चोरी करवाने के लिए दिल्ली से लेकर के पूरे हिंदुस्तान से लोग क्यों आते हैं? अपने बच्चे, ये तो बच्चे हुए ना उनके, तो बड़े बड़े जो नेता भी नेता है यहाँ का विधायक, उनके लिए बच्चे हुए, तो इसका मतलब आपका, आपके बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ा इसलिए आप चोरी करवाने आते हैं, तो ये तो ट्रेंड गलत है। और जब मैं आऊँगा, अब फल देने वाले ऊपर वाले हैं, लग तो रहा है कि इस बार दूसरे का सुपरा साफ होने वाला है, लेकिन फिर भी ये हम कहेंगे तो लोग कहेगा कि अहंकार आ गया है, ये सब चीज़ें हम नहीं बोलते हैं। इसलिए दूसरी बात, आपने जो बोला है कि बड़े बड़े नेता अभिनेता नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? एक तो ये जो परिपाटी चल रही है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये गलत है, क्योंकि आप अपने बच्चे को जब कहते हैं 10th का जब एग्जाम उसका शुरू होता है, जब 10th में जाता है, तो शुरू से कहते आते रहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, चोरी कराने में नहीं आऊँगा, मैं पास करवाने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं साल भर जितना उसका खर्च है, जो ध्यान है वो दूंगा, लेकिन चोरी करवाने आऊँगा तो डंटा खा सकता हूँ, इसलिए मैं डंटा खाने नहीं जाऊँगा। अब एक चीज़ बताइए कि काम तो वो तो बिन मांगे मिल जाएगा, अगर अच्छा कर्म नहीं किया है तो चरण धो धो के पिएंगे, नेता अभिनेता उतार देंगे, तब भी एक को वोट नहीं मिलेगा, फिर ये ट्रेंड मुझे चेंज करना है। ठीक है, आज मैं अभी जो पार्टी सब जितनी चल रही है, मैं किसी पार्टी में न शामिल होने वाला हूँ, किस पार्टी का समर्थन करना है, क्या करना है, नहीं करना है, मेरा गार्जियन श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां से जो आदेश आएगा मैं उसी का पालन करूंगा। उन्हीं का आदेश आया, उनकी पार्टी नहीं लड़ी, उनका आदेश आया कि आप निर्दलीय लड़िए, जाले विधानसभा मेरा, जाले सीट मेरा निकल रहा है, मैं उसके बाद लड़ना शुरू किया, और उन्हीं से पूछूंगा जीतने के बाद कि अब मुझे आगे क्या करना है। जनता से नहीं पूछेंगे आप? जब वो हमको आदेश देंगे तो फिर जनता से पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का मेरा ये आदेश है, आपका आदेश सर्वोपरि है, पहले वहां से कोई आदेश आए उसके बाद मैं जनता से पूछूंगा कि वहां से ये आदेश आया है। जनता अगर कहेगी कि हाँ ठीक है जो वो कह रहे हैं कीजिए, जितने भी हमारे 39 पंचायत के जितने भी हमारे अधिकारी है, पदाधिकारी है, जितने भी गांव है, हर जगह बैठक करूंगा, एक महीना तक बैठक करने के बाद जहां से जो चीज सबसे ज्यादा उभर के आएगी, जो आदेश आएगा वही करूंगा। तो ये विमलेश जी जनता से पूछ के ही सारा कदम उठाएंगे, और दरभंगा समाचार की आपके साथ शुभकामनाएं आपका।